अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिए कि जीवन में जो हमारे अज्ञान होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, चाहे जितने भी जन्म हो जाए हमारे, वो अज्ञान वैसे का वैसा बना रहता है। आपको याद होगा जब पार्वती जी शिव जी के विवाह से पहले उनकी पत्नी के रूप में सती के नाम से जानी जाती थी, उस समय उनकी बुद्धि उनकी मति में बहुत तर्क था, राम जी को लेके संशय था, राम कौन है, क्या राम अलग अलग हैं, शिव जी के राम और राजा दशरथ के राम अलग हैं कि दोनों एक ही हैं, अनेक प्रकार का प्रश्न दुविधा उनके मन में था। वो दुविधा समाप्त नहीं होता है, पार्वती के रूप में फिर से भगवान शिव से मिल जाती हैं, उसके बाद भी वो संशय बना रहता है। एक दिन की बात है, शिव जी प्रसन्न थे, आनंदित थे, शिव जी के पास जाकर के प्रार्थना करती हैं पार्वती जी। देखिए, जब कभी किसी से कुछ आप सीखना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि प्रसन्न भाव में है तो आप कुछ भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा, और अगर दुखी है, खिन्न है, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हो सकता कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप भी खिन्न हो जाए, आपका भी मन दुखी हो जाए। तो जब प्रसन्न भाव में देखती हैं, वैसे तो शिवजी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ये कहना कि शिवजी प्रसन्न भाव में आज ही दिखे ये गलत है, सही बात तो ये है कि शिवजी सदा प्रसन्न रहते हैं। हमको प्रसन्नता किसी के भीतर तभी नजर आती है जब हम भीतर से प्रसन्न होते हैं। ध्यान से विचार करिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। बाहर कुछ भी बदलता नहीं है, भीतर जो हमारे चल रहा होता है उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का प्रतिबिंब, उसी की परछाई हमको बाहर के लोगों में दिखाई देती है। अगर भीतर खुश है ना तो सब हमको खुश खुश नजर आएंगे, और भीतर अगर हम दुखी हैं तो दुनिया भर के लोग खुश हैं, लेकिन हमको उनकी खुशी में कुछ मिलेगा नहीं। तो पार्वती अम्मा आज बहुत प्रसन्न हैं और शिव जी को भी इसी भाव से प्रसन्न रूप में वो देख करके अनुभव कर रही हैं। तो कहती हैं, ध्यान से सुनिए क्या कहती हैं। जमो पर प्रसन्न सुख राशि जानिया सत्य मोहिनी जदासी। हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, जो अज्ञान पिछले जन्म में हमारे मन के भीतर बना रहा अभी भी उसे पीछा नहीं छूट पाया है, वो वैसे का वैसा बना हुआ है, तो कृपा करके उस अज्ञान से हमको मुक्त करिए। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। जय सियाराम।
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम प्रसंग में एक बात हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जीवन में मन के भीतर अगर किसी तरह का अज्ञान है तो जब तक दूर नहीं कर लिए तब तक उस अज्ञान से हम लोगों का पीछा छूटने वाला नहीं है। चाहे कितना भी जन्म हो जाए वो अज्ञान बना रहेगा। और ऐसा नहीं समझिए कि अज्ञान जो है वो खाली पार्वती जी के जीवन में है, हम सबके जीवन में भी अज्ञान है। अज्ञान किसे कहते हैं ये एक बार ठीक ठीक समझिए। इस दुनिया में दो चीजें, एक नित्य चीज है दूसरा अनित्य चीज है। नित्य मतलब जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसा रहता है, और जो अनित्य है वो हमेशा बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि जो न बदलने वाला ज्ञान स्वरूप है ना तत्व, उसके हम अनुगामी बने, उसको हम अपने जीवन में उतारें घटाएं। संसार जो है वो अनित्य है और परमात्म तत्व, परमात्मा हमारा आत्मा, ये नित्य है। ये बात हमको पता चल गया, अब क्या करना है। नित्य मतलब जो जो आपको एक बार मिल गया ना तो दोबारा आपके हाथ से कहीं सरकने वाला नहीं है। अनित्य बार बार मिलता है और हाथ से बालू की तरह सरक जाता है। हम संसार में देखिए कितना ढेर सारा मेहनत करके पैसा कमाते हैं और जब गुड़ा भाग करते हैं 10 साल में इतना रुपया कमाए, क्या हुआ? बालू की तरह सब सरक गया। बच पाया क्या? नहीं बच पाया। अच्छा बचा क्या है? एक ही चीज बचा है हमारे पास, पता है क्या? वो हम। अच्छा हुआ कि हम कहीं गायब नहीं होते, नहीं तो पता चलता जैसे खेत में आप लोग पशुओं को डराने के लिए एक डंडा में पैंट शर्ट टांग देते हैं तो वैसे घर में आदमी का शरीर होता और उसकी आत्मा पता नहीं कहाँ घिस पिट गई होती है। अच्छी बात यह है कि शरीर चाहे कितना भी घिस पिट जाए, आत्मा हमारा कभी घिसता नहीं है, कभी पुराना नहीं होता है। उसी आत्मा को, जो आत्मा कभी बूढ़ा नहीं हुआ, जो आत्मा कभी आपको बोर नहीं किया, उसी आत्मा के मूल स्वरूप को जानना है, समझना है। एक बार जान लिए ना तो
फिर संसार के आवागमन से सदा सदा के लिए हमको छुटकारा मिल जाएगा। ये थोड़ा सा गूढ़ बात है, और भी आगे हम इसको विस्तार से हल्का फुल्का बना के सुनेंगे। देखिए, परमात्मा जो है और आत्मा जो है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। परमात्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है और आत्मा भी हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य है, चित्त है और आनंद है। जो सत्य होता है ना, जो कभी नहीं बदलता, उसको सत्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है, जिसमें ज्ञान बसा हुआ है, वो चिद स्वरूप है और आनंद से वो एकदम लबालब है। व्यवहार काल में हमको लगता है कि हम बढ़िया रसगुल्ला खाए हैं, खूब चटक जो है समोसा खाए हैं, चटनी खाए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान खाए हैं, तो हमको सुख मिल रहा है। ये व्यवहार काल में लगता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ खाने से अगर आपको हमेशा सुख ही मिलता तो एक खाची समोसा ला के आपके सामने रख दिया जाता और हर समोसा पे 10 रुपए इनाम भी मिलता। अब आप बताओ कितना समोसा खाते आप? अब कोई वो दूसरे प्रजाति का तो सब खा जाएगा 10-10 रुपए के चक्कर में, वो बात अलग है। लेकिन आप 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 खाओगे, उसके बाद जब खाना शुरू करोगे आपका मन ना एकदम बस करो या हो गया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाहर जो हम आनंद ढूंढते हैं विषयों में, बढ़िया पकवान में, बढ़िया मिठाई में, बढ़िया गाना में, सुंदर सुंदर रंग रूप में, वहाँ आनंद नहीं है। आनंद अपने भीतर है, आत्मा के अंदर आनंद है। मन जब विचलित हो जाता है, मन जब भटकने लगता है, मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं आ जाती हैं, तो उन इच्छाओं से भीतर का जो आनंद है ना, वो ढक जाता है और हम इच्छाओं के धरातल पर, इच्छाओं में उलझे रहते हैं। हम भीतर के आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो भीतर का आनंद अगर अनुभव करना है तो उसके लिए अनावश्यक जितना भी फालतू काम है, जितना भी फालतू बात है, सबको त्याग दीजिए। तो अज्ञान से हमको बाहर आना है। पार्वती मैया कहती हैं शिव जी से कि हे प्रभु, अब हम पहले की तरह नहीं है, आप जो भी बताइएगा हम दिल लगा करके सुनेंगे, आपके आज्ञा का पालन करेंगे। ये राम कौन है? राजा दशरथ के राम जो हैं, और जिनको आप दिन भर रात भर जपते रहते हैं, वो दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल बिहीन सुनि शिव मन माही। देखिए, हम सबको बहुत कुछ नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो जानने की कोशिश करनी चाहिए, निश्चल मन से जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न इसलिए नहीं लोगों से पूछना चाहिए कि हम देखें कि उनको कितना ज्ञान है। जब भी प्रश्न करिए तो निर्मल मन से, निश्चल मन से करिए। जब राम के विषय में पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं, तो शिव जी भगवान श्री राम के ध्यान में जो लगे रहते हैं, बहुत बल लगा करके भगवान राम के ध्यान से बाहर आते हैं। और पता है, इतना लगाव है शिव जी का राम जी के साथ, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। हर हिया राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। राम का नाम सुनते ही
राम जी का पूरा जो कथा है वो सब शिव जी के मस्तिष्क में आ जाता है। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पा। देखिए भक्ति कब सिद्ध हो गई, भक्ति में हम कब सफल हो गए कैसे जानेंगे? आपका लड़का परदेश में है तो जैसे घर में कोई उनका नाम लेता है तो तुरंत उसकी पूरी सूरत, उसका शकल दिमाग में प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब राम जी का नाम मन में आए, जब उनकी याद आए तो उनकी पूरी कथा, उनका पूरा स्वभाव, उनके भीतर के जितने सद्गुण हैं सब के सब प्रकट हो जाने चाहिए, मन में जीवित हो जाने चाहिए कि राम जी का मूल स्वरूप कैसा है। शिव जी संसार के बारे में बताते हुए कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहर कीन्ह रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णन। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जीव को संसार में भटकना नहीं चाहिए, संसार के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि संसार सच्चा नहीं है, एकदम झूठा है, सपने की तरह है। अब आप कहेंगे क्या सच में संसार झूठा है? विचार करिए, आज के 20 साल पहले, शादी से पहले जब लड़काई में शरीर रहे तो उस समय आप लोग कैसे दिखते थे, और धीरे धीरे उम्र के साथ शरीर बदल गया, पतला आदमी मोटा हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया। जन्म से पहले हमारा कोई अस्तित्व था? जन्म से पहले, और जब मर जाएंगे तब मिट्टी से फिर हम एक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो संसार कैसे झूठा है इस बात को समझने के लिए हमको ध्यान देना होगा अपने बदलते हुए जीवन चक्र पर। सपने में हम देखते हैं और जब जगते हैं तो समझ में आता, अरे वो सब तो झूठा था। ठीक वैसे ही जब हम जगते हैं अपने जीवन में तो हमको समझ में आता है कि इस जीवन में केवल एक चीज सत्य है, वो है हमारा अनुभव, हमारा अपना आत्मस्वरूप। बाकी देह रिश्ता नाता सब बदल रहा है, और जो बदलता है वो सच्चा नहीं होता, वो झूठा होता है। यही झूठ और सच की सबसे बड़ी कसौटी है, पहचान है। तो भगवान शिव कहते हैं कि संसार झूठा है, इसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाइ हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जगने के बाद सपना का जो दुनिया होता है कहीं न कहीं वो हमारे अनुभव से परे हो जाता है, उसी तरह से जब हमको ज्ञान होता है तो ये संसार हमारे लिए मिट जाता है। भगवान शिव राम जी के मूल स्वरूप का बखान करते हैं, परमात्मा है कैसे? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध भेदा। चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोहन सा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप
अहमिति अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जग जान परमानंद परेश पुराना परमात्मा जो है वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, उसके अंदर कोई ना हर्ष है ना विषाद है, किसी तरह का ना सुख है ना दुख है, सब चीजों से परमात्मा परे है। वो व्यापक है, व्यापक मतलब एक जगह होना दूसरी जगह ना होना ये सीमित होता है, और जो हर जगह है, कण कण में है, यहाँ भी है वहां भी है, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, ऐसे स्वरूप को व्यापक कहते हैं। परमानंद स्वरूप है, जो आनंद है उससे भी जो श्रेष्ठ सुख है परम आनंद, ऐसे स्वरूप है परमात्मा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये परमात्मा जो है ना अपने भक्तों के भले के लिए, उनके मन को खुश करने के लिए, उनके भक्ति को पोषित करने के लिए, उनके भक्ति को सिद्ध करने के लिए समय समय पर अवतार लेता रहता है। और इसके दो रूप हैं, एक तो निर्गुण है दूसरा सगुण है। जब वो अवतार लेते हैं तो सगुण रूप में हो जाते हैं, और जो उनका मूल तत्व रूप है वो निर्गुण निराकार रूप है। जगत प्रकाश के प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उन्हीं के प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा है। हम भी जो अपनी आंखों से पूरा दृश्य जगत देख पा रहे हैं वो इन आंखों के भीतर बैठ करके परमात्मा की जो शक्ति है ना, उस शक्ति के कारण ही हम देख पा रहे हैं। आपको पता है कानों से सुनना, नाकों से सूंघना, आंखों से देखना, हाथ से छूना, इन सब का अलग अलग अनुभव होता है ना। आंख है इसलिए दिखाई देगा ये जरूरी नहीं है, कान है और सुनाई देगा ये जरूरी नहीं है। ये कान जो है उस कान के अंदर एक सुनने की शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति है, वो सारी शक्तियां जो है परमात्मा के शक्ति से अभिन्न है। वो परमात्मा का एक और सुंदर स्वरूप है, बड़ा ही अनोखा है, अद्भुत है, अजूबा है। कैसा है? बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल बिनु बारी बता पर
सियाराम जय सियाराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये जो बातें हम आपको सुना रहे हैं, हो सकता है सारी बात आप सुनने में ठीक लगे लेकिन समझ में ना आए। कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ भी लें। अब परमात्मा के बारे में एक बात यहाँ पर शिव जी बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, साकार भी है। अलग अलग कालों में आपको पता है त्रेता में भगवान का अवतार किस रूप में हुआ था, राम के रूप में। द्वापर में हुआ था श्री कृष्ण के रूप में। तो इस तरह अलग अलग कालों में भगवान का अवतार होता रहता है, धर्म की रक्षा के लिए या धर्म के नाश के लिए। लेकिन एक उनका रूप अवतार लेने के बाद भी अपने मूल स्वरूप में हमेशा बना रहता है। और मूल स्वरूप क्या है प्रभु का? निराकार रूप। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? उनके पास पैर नहीं होता, निराकार परमात्मा के पास पैर नहीं है, पर फिर भी चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जहां भक्त याद करता है वहां जा करके अपने भक्त की मदद करते हैं। हम कुछ भी बातें करते हैं, परमात्मा के पास कान नहीं है, पर फिर भी परमात्मा सुनता रहता है, सुनता रहता है। उनके पास हाथ नहीं है, उसके बाद भी परमात्मा जितना बेहतर हो सकता है हम जीव के लिए वो कर्म करते रहते हैं। और इतना नहीं, जो भी हम बनाते हैं ना पकवान, उन सब का भोग असल में परमात्मा ही करते हैं। उनके पास वाणी नहीं है, पर बहुत बड़े जोगी हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। अब ये बात समझ लीजिए, हम भले ये अनुभव ना कर पाए कि हमारे आसपास है, लेकिन वो हमसे एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। यदि ये बात हमको समझ में आ जाए तो बताइए क्या फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि हम कुछ भी गड़बड़ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है भगवान हमको देख रहे हैं और उनकी नजर से कोई बच नहीं सकता। तो अगर हमसे पाप होगा, हमसे अपराध होगा, हमसे गलती होगा, तो उसका फिर सजा हमको भोगना पड़ेगा। तो भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसको जानने के बाद हम सतर्क हो जाते हैं कि प्रभु हर पल हमारे साथ हैं। सही बात तो ये है ना कि भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है, उनको जाके खोजना नहीं है किसी तीर्थ स्थल में, किसी मंदिर में, किसी मठ में। भगवान हर क्षण हमारे साथ बने रहते हैं। ये बात हमको याद रहे, इसी दिशा में हमको प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। और अगर ये बात हमको समझ में आ जाए कि भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे बहुत पास है, इतना पास है जितना हमारे भीतर, हमारे पास हमारा मन, तो सारा बुरा काम हम छोड़ देंगे। जब इस तरह से शिव जी भगवान राम के स्वरूप का बखान करते हैं, पार्वती मैया शिव जी के द्वारा राम जी के बारे में वर्णन सुन करके आनंदित होती हैं, कहती हैं, नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे प्राणनाथ, हमारे जीवन का सब कष्ट अब दूर हो गया, सारा ज्ञान दूर हो गया, सारा मोह समाप्त हो गया, आपकी बहुत कृपा है। लेकिन कहती है कि अभी इतने से मन को तृप्ति नहीं मिली। हे प्रभु, परमात्मा सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर क्या करने के लिए इस धराधाम पे भगवान आते हैं, मानव की लीला करते हैं, क्या प्रयोजन है? कितना कष्ट सहते हैं। हमारे आपके जिंदगी में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, हाथ छाती पर पटक पटक के रोने लगते हैं,
हे भगवान हम का बिगाड़े थे, सारा कष्ट हमारे ही जीवन में आपने क्यों दे दिया। आप ये सोचो कि भगवान राम के जीवन में कितना कष्ट था। नया नया भगवान का विवाह होता है और कुछ ही समय बाद भगवान को वनवास हो जाता है। जो राम जी हमेशा सुख से जीवन जिए, वो जंगल के पथरीले सड़कों पर चल रहे हैं। उनके जीवन का कष्ट अगर आप विचार करेंगे तो अपने जीवन में कोई कष्ट आपको अनुभव नहीं होगा। तो उमा जी पार्वती मैया पूछती हैं कि भगवान क्यों इतना कष्ट सहे, क्यों अवतार लिए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या है। परमात्मा जब देखते हैं कि उनके धरती पर, उनके बनाए इस भूलोक पर दुष्ट अत्याचारी पापाचारी बढ़ गए हैं, तो वो अवतार लेकर के उनका शमन करते हैं, उनका नाश करते हैं, उनको मारते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की रक्षा करके उसको सबके मन में, जीवन में, संसार में स्थापित करते हैं।